नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत बेहतरीन रेमेडी आपके पैरों के लिए, हाथों के लिए। तो दोस्तों ये मैं जो रेमेडी बताऊंगा आपकी स्किन के लिए बहुत ही असरदायक होने वाली है। तो दोस्तों इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना, चलते मैं अपने वीडियो में बनाकर दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लीन प्लस शैम्पू लेना पड़ेगा, फिर आपको नींबू लेना पड़ेगा। तो देखिएगा फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले शैम्पू लिया हुआ है, फिर इसको मैंने फाड़ लिया हुआ है, फिर आप एक खाली कटोरी लेना, फिर इसी में आपको एक शैम्पू का पाउच सारा का सारा इसी में निकाल देना। तो देखिएगा फिर यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, इसी प्रकार से आपको भी निकाल लेना है। ऐसा नहीं जो मैंने शैम्पू लिया है वही आपको लेना पड़े, ऐसा नहीं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो ले सकती हैं फ्रेंड। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको आधा कटा हुआ नींबू लेना है। नींबू तो आप सभी को तो पता है आपके स्किन में जो भी आपके टैनिंग है, गंदगी है, वो अच्छे से रिमूव करता है, आपकी स्किन में एक्स्ट्रा ग्लो लाता है। तो दोस्तों इसके बाद में फिर आपको दोनों चीज़ों को इस प्रकार से अच्छे से मिला लेना है। तो देखिएगा फिर यहाँ पे मैं मिलाकर आप सभी को दिखा रही हूँ, इस प्रकार से मिला लेना है। अच्छे से मिला लेने के बाद में फिर तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें ग्रीसलीन लेना पड़ेगा। ग्रीसलीन है आप सभी को तो पता है आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजर करती है, आपकी स्किन पे अच्छे से ग्लो लाती है। तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्रीसलीन लेना पड़ेगा, फिर से आपको इस प्रकार से मिला लेना है सारी चीज़ों को। तो फिर इस वीडियो को आपको गौर से देखना है, ध्यान करके आपको याद रखना है, जिस प्रकार से यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ इसी प्रकार से आपको बनाना है। थोड़ा सा भी गलत नहीं बनाना है, नहीं तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फिर उसके बाद में एक चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी लेना पड़ेगा। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए बहुत ही असरदायक है, आपकी स्किन पर अच्छे से चमक लाती है, आपका स्किन पर बहुत ही ग्लो लाती है। तो फिर इसी प्रकार से लेने के बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा फिर जिस प्रकार से यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है उसी प्रकार से आप सभी को भी ऐड करना पड़ेगा। देखिएगा फिर इस प्रकार से मिला लेने के बाद में, इसी प्रकार से बना लेने के बाद में फिर आपको ये ध्यान रखना है ये अपने फेस पे इस फेस पैक को नहीं लगाना है, अपने सिर्फ हाथ और पैरों पर लगाना है। मैं तो फिर मैं चेहरे के लिए बहुत ही फेस पैक अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर फेस पैक चेहरे के लिए देख सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हाथ के लिए बता रही हूँ, तो फिर उसके बाद में फिर अपने हाथ पे इसे लगा सकती हैं। देखिएगा फिर यहाँ पे मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ, इसी प्रकार से आप अपने हाथ पे पैर पे कहीं भी कालापन है वहाँ पे लगा सकती हैं, जिससे कि आप अपने गर्दन पे भी लगा सकती हैं, सिर्फ चेहरे पे नहीं इसे लगा सकती हैं, अपने हाथ पे लगा सकती हैं, अपने पैर पर, अपने गर्दन पर लगा सकती हैं। फिर इस प्रकार से लगा लेने के बाद में फिर आपको 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना पड़ेगा। 10 मिनट के लिए अपने हाथ पर इसी प्रकार से लगे रहने देना है। तो फ्रेंड जब 10 मिनट हो जाए फिर अपने हाथों को धो लेना है। आने के बाद में देखोगे एक ही बार में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसे हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकती हैं, तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।